अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बंगाली स्टाइल भिंडी फ्राई। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत कम टाइम में बन जाती है, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। दो उबले आलू, दो कप भिंडी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कलौंजी, 4 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, हरी मिर्चें, इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। नाइस अरोमा जब फील होने लगेगा तो हम इसमें आलू ऐड करेंगे। एक दो मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं। दो दरमियानी साइज के आलू लिए थे हमने, जिसे हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। फोर टू फाइव मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, हल्दी डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे। टेन मिनट इसे फ्राई करेंगे। टेन मिनट्स हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए स्लोमेट पे कवर कर देंगे पकने के लिए। अब इसे देखते हैं। बंगाली स्टाइल फ्राई भिंडी तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत कम चीज़ों से ये तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। बंगाली स्टाइल भिंडी फ्राई तैयार है, आप इसे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।